Hello everybody, today in this video I'm going to tell you about lockdown and curfew and their differences. आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे लॉकडाउन एंड कर्फ्यू के बारे में और इसमें क्या अंतर होता है इन दोनों में वो हम लोग समझेंगे. तो फर्स्ट लॉकडाउन क्या होता है ये समझ लेते हैं. अ लॉकडाउन कैन बी इन्फोर्स बाय अ कलेक्टर और चीफ मेडिकल ऑफिसर इन देयर पार्टिकुलर एरिया अंडर द एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897. लॉकडाउन जो है वो कलेक्टर या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है किसी पार्टिकुलर एरिया पे इन्फोर्स करते हैं अंडर द एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897. मान लीजिए किसी एरिया पे किसी पार्टिकुलर एरिया पे कोई ऐसा डिजीज फैल रहा है जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को जान का खतरा हो या किसी स्टेट में या पूरे कंट्री में, तो उस एरिया उस स्टेट या फिर पूरे कंट्री को ही लॉकडाउन कर दिया जाता है. ठीक है. अंडर लॉकडाउन पीपल्स आर रिक्वायर्ड टू स्टे इंडोर्स एक्सेप्ट इफ दे आर एक्सेसिंग एसेंशियल सर्विसेज एंड कमोडिटीज सच एज विजिटिंग द हॉस्पिटल एंड बाइंग ग्रोसरीज. लॉकडाउन के समय जो क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसे घर पर ही रहना पड़ता है. घर के बाहर वो तभी निकलेंगे जब उसे एसेंशियल सर्विसेज या कमोडिटीज़ लेने की दरकार पड़े, तभी वो जा सकते हैं. हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़े या मार्केट जाना पड़े दूध वगैरह लेने के लिए या सब्जी वगैरह लेने के लिए, इन डैट केस ही वो बाहर जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते हैं. हाउएवर एसेंशियल सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, बैंक्स, ATM, ग्रोसरी स्टोर्स, वेजिटेबल एंड मिल्क शॉप विल स्टिल बी ओपन. लॉकडाउन के दौरान क्या होता है, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, ATMs होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क शॉप, ये सब ओपन रहते हैं. सम सर्विसेज लाइक मीडिया, न्यूज़पेपर आर ऑल्सो अलाउड टू ऑपरेट. मीडिया एंड न्यूज़पेपर को भी ऑपरेट करने के लिए अलाउड कर दिया जाता है. अंडर ए लॉकडाउन द पुलिस डू नॉट हैव द पावर टू अरेस्ट एनी वन हु इज़ वायोलेटिंग द लॉकडाउन विदाउट द कोर्ट्स परमिशन. मान लीजिए लॉकडाउन के समय कोई व्यक्ति बाहर निकल गया है, अब वो लॉकडाउन को तोड़ रहा है, मैंने ग्रुप में निकल गया घर के बाहर और लॉकडाउन को तोड़ रहा है, पुलिस उसे समझाने पर भी वो घर नहीं जा रहा है, इन डैट केस जो है पुलिस उसे पहले समझाएगी, उसके बाद अगर वो नहीं मानता है देन कोर्ट के परमिशन से ही उसे अरेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज पुलिस जो है उसे अरेस्ट नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकती है. दे कैन इश्यू अ वार्निंग एंड एडवाइज द पीपल टू हेड होम. कर्फ्यू क्या होता है वो जान लेते हैं. अ कर्फ्यू इज़ ए रेगुलेशन रिक्वायरिंग पीपल टू स्टे इंडोर्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. कर्फ्यू क्या होता है, कर्फ्यू वो रेगुलेशन है जिसे लगाया जाता है एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि लोग घर पे ही रहे, घर के बाहर ना निकले. ये तब लगाया जाता है, मान लीजिए किसी एरिया में राइटिंग होने वाला है, दंगा फसाद होने वाला है, तो उस एरिया पे कर्फ्यू लगा दिया जाता है. ठीक है. ये जो कर्फ्यू लगाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगाते हैं, कलेक्टर लगाते हैं या फिर पुलिस कमिश्नर जो है वो कर्फ्यू को इम्पोज करते हैं. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विदिन द लिमिट ऑफ हिज ज्यूरिसडिक्शन. जिस ज्यूरिसडिक्शन पे कर्फ्यू लगता है उस ज्यूरिसडिक्शन को में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होता है. ही कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ अनलॉफुल असेंबली अंडर सेक्शन 144 CRPC. वो जो है अनलॉफुल असेंबली को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उस एरिया पे 144 CRPC लगा सकते हैं. ड्यूरिंग कर्फ्यू ऑल एसेंशियल सर्विसेज आर ऑल्सो शट डाउन. कर्फ्यू के समय जो है वो एसेंशियल सर्विसेज को भी शट डाउन कर दिया जाता है. जनरल सर्विस तो जो शट डाउन रहते ही है, एसेंशियल सर्विस को भी बंद कर दिया जाता है. अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो लॉकडाउन या कर्फ्यू को तोड़ रहा है, इन डैट केस उसे क्या पनिशमेंट मिलेगा, किस धारा पर मिलेगा वो समझ लेते हैं. एज पर इंडियन पिनल कोड सेक्शन 188 में क्या है, मान लीजिए किसी एरिया में लॉकडाउन या कर्फ्यू लगा है और ये जो गवर्नमेंट लगाई है वो गवर्नमेंट के ऑर्डर को नहीं मान रहा है, तो अगर वो गवर्नमेंट को ऑर्डर को नहीं मानता है तो उसे एज़ पर सेक्शन 188 पनिशमेंट मिलेगा, जिसमें एक महीने तक की सजा है. ठीक है. सेक्शन 269 में क्या है, मान लीजिए अभी इंडिया में कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, अब ये लोग जानकर भी वो व्यक्ति जो है वो घर के बाहर जा रहा है, घूर रहा है, दोस्तों के साथ टहल रहा है रास्ते में, इन डैट केस अगर उसकी वजह से किसी और को कोरोना वायरस होता है तो उसे सेक्शन 269 के तहत पनिशमेंट मिलेगा, जिसमें 6 महीने तक की सजा है, फाइन है या फिर दोनों है. अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो गया है और ये बात वो जानता है, जानने के बावजूद भी वो घर के बाहर निकल गया, घूर रहा है, उसकी वजह से और किसी को हो गया, तो इसे एज़ पर सेक्शन 270 पनिशमेंट मिलेगा, जिसमें सजा जो है वो 2 साल तक की है, फाइन है या फिर दोनों मिलेगा. ठीक है. सेक्शन 271 में क्या है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्वारंटीन में रखा गया है, अब वो क्या हो रहा है, वो क्वारंटीन के रूल रेगुलेशन को नहीं मान रहा है, वो क्वारंटीन से भाग जा रहा है, तो इन डैट केस उसे सेक्शन 271 के तहत पनिशमेंट मिलेगा, जिसमें 6 महीने तक की सजा है, फाइन है या फिर दोनों मिलेगा.
अब हम लोग समझ जाते हैं लॉकडाउन एंड कर्फ्यू में जो अंतर होता है वो क्या है वो जान लेते हैं। इन लॉकडाउन एसेंशियल सर्विसेज एंड मार्केट्स आर नॉट क्लोज्ड। लॉकडाउन के समय जो एसेंशियल सर्विसेज होते हैं और मार्केट्स जो होते हैं वो बंद नहीं होता है, वो ओपन रहते हैं। ड्यूरिंग द कर्फ्यू ऑल द एसेंशियल सर्विसेज एंड मार्केट्स आर क्लोज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कर्फ्यू के समय जो एसेंशियल सर्विस को भी क्लोज कर दिया जाता है, मार्केट्स को भी क्लोज कर दिया जाता है। लॉकडाउन इज डन यूजली फॉर अ लॉन्गर पीरियड। लॉकडाउन जो है वो लंबे समय तक के लिए चलता है। जैसे इंडिया में भी कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है 21 दिनों के लिए, ठीक है। तो लेकिन जब कर्फ्यू लगता है तो कर्फ्यू जो अगर किसी एरिया में राइटिंग वगैरह हो गया तो वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया जाता है। वो भी होता है आपको कुछ घंटों के लिए, वो या फिर 1-2 दिन के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं चलता है, ठीक है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन एसेंशियल सर्विसेज लाइक बैंक्स, ATM, गैस एजेंसीज, पोस्ट ऑफिसेज, फायर ऑफिसेज, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, मिल्क बूथ एक्सेट्रा आर ओपन टू सर्व द जनरल पब्लिक। लॉकडाउन के समय जो होते हैं उसमें जो एसेंशियल सर्विसेज है लाइक बैंक्स हुआ, ATMs हुआ, गैस एजेंसीज हुआ, पोस्ट ऑफिसेज हुआ, फायर ऑफिसेज हुआ, हॉस्पिटल्स हुआ, मेडिकल स्टोर हुआ, मिल्क बूथ्स हुआ, ये सब ओपन रहते हैं। लेकिन कर्फ्यू के समय क्या होता है, जो एसेंशियल सर्विसेज जैसे मार्केट हुआ, स्कूल्स हुआ, कॉलेजेस हुआ, बैंक्स हुआ, मेडिकल्स, ये सब क्लोज रहते हैं, ठीक है। व्हेन कर्फ्यू इज रिलैक्स ओनली देन पीपल्स गेट बेनिफिट फ्रॉम ऑल दिस सर्विसेज। जब कर्फ्यू जो क्लोज हो जाते हैं इन दैट केस ही ये सब ओपन हो जाते हैं। लॉकडाउन इज डिक्लेयर इन वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस एज इन द आउटब्रेक ऑफ COVID-19। लॉकडाउन जो है वो वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस में ही लगाए जाते हैं। जैसे अभी इंडिया में लॉकडाउन लगा गया है क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस, कि अगर लोग बाहर निकलेंगे तो ये इन्फेक्शन और भी फैलेगा, तो उसे रोकने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, ठीक है। तो लॉकडाउन जो लगता है वो रेयर सर्कमस्टांसेस में ही लगता है, लेकिन कर्फ्यू जो है वो फ्रिक्वेंटली लगते रहता है। किसी भी एरिया में दंगा फसाद हो गया तो वहाँ पर लगा दिया जाता है, किसी स्टेट में हो गया तो वहाँ पर लगा दिया जाता है, ये फ्रिक्वेंटली होते रहता है। द ड्यूरेशन एंड कवरेज ऑफ लॉकडाउन आर वाइडर देन द कर्फ्यू। ड्यूरेशन और कवरेज जो होता है लॉकडाउन का वो एज़ कम्पेयर टू द कर्फ्यू वो ज़्यादा बड़ा होता है। नो पास इज़ रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट इन लॉकडाउन। लॉकडाउन में जब लोग जो है वो घर के बाहर निकलते हैं, मार्केट जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उसे उन्हें जो स्पेशल पास का दरकार नहीं पड़ता है। लेकिन कर्फ्यू के समय मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गया, किसी को हॉस्पिटल ही जाना है, तो इन डैट केस जो है उसे थाना में फ़ोन करके परमिशन लेना पड़ेगा, स्पेशल पास लेकर ही जाना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं जा सकते। या फिर मान लीजिए कोई व्हीकल है गुड्स का, जो गुड्स मूवमेंट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ले जाता है, तो इन डैट केस जो है उस व्हीकल वाले को भी स्पेशल पास लेना पड़ेगा कर्फ्यू के समय, लेकिन लॉकडाउन में ऐसा पास का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।